हाथों में, हमारा प्रदेश में हमारी सरकार बहुमत के साथ बनेगी। और भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा, आज हम खड़े हैं ए टू जेड पर जो हरिद्वार रोड पर स्थित है। अभी कुछ ही समय में यहाँ पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी पहुंचने वाले हैं। अभी ये जो ए टू जेड जो संस्थान है धीर सिंह जी का, उस पर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी। और अभी कुछ ही समय में हम आपको दिखाएंगे लाइव यहाँ का जो प्रोग्राम होने वाला है। हरिद्वार रोड स्थित धीर सिंह रोड जी के प्रतिष्ठान ए टू जेड पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी का किया गया जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया उत्साह। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड में प्रदेश मंत्री धीर सिंह रोड जी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ही दो दिवसीय बैठक, जिसके मद्देनजर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा डॉक्टर के लक्ष्मण जी का स्वागत उनके प्रतिष्ठान पर किया गया। समर्थ भारत न्यूज से मनीष शर्मा के साथ अनूप सैनी की। मित्रों, अभी हमारे साथ हैं धीर सिंह रोड जी जो प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड है। आइए जानकारी लेंगे कि क्या प्रोग्राम था। धीर सिंह जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे धीर सिंह जी, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पर? धन्यवाद जी आपकी न्यूज के माध्यम से। मैं पहले तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने प्रदेश की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस समय कोविड से निकल कर और अभी हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है सही राह पर निकले चला है। और मैं आज यहाँ हमारा जो कार्यक्रम था, क्योंकि हमारी प्रदेश कार्य समिति, कल हमारी प्रदेश कार्य समिति है, तो दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हमारे बीच में आज यहाँ आए थे और इसी के निमित्त हमने उनका यहाँ से आज स्वागत समारोह किया था। हमारे प्रदेश के और हमारे नगर के, हमारे यहाँ पूर्वी मंडल के, हमारे रुड़की के बहुत अच्छे जो हमारे प्रबुद्ध लोग थे, जो हमारे स्नेही जन थे, उन्होंने सब ने आकर बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और अभी दरअसल ये कार्य समिति के बाद फिर हम लोग यही चाहते हैं कि भाई 2022 अभी सामने हमारे चुनाव है, तो हम सब उसमें जो है एक किस्म से अपने जो हमारे नेतागण आए हैं उनका मार्गदर्शन लेकर हम आगे कार्य की नीति के लिए जो हम आगे अपने कार्य करें। तो जैसे आप बता रहे हैं दो दिवसीय कार्यक्रम है, तो कल का क्या कार्यक्रम? कल दरअसल हमारे प्रदेश की कार्य समिति है और कार्य समिति संगठन के लिए बहुत एक मजबूत एक इकाई होती है, एक उसका एक पार्ट होता है। तो हमारे जो नेतृत्व जो हमें आगे कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देगा, उसकी एक कार्यक्रम की एक रूपरेखा सबको वहाँ समझाई जाएगी और उसके लिए उसी के निमित्त कल हमारी कार्य समिति रहे। सिंह जी क्या कहना चाहेंगे 2000? देखिए हमारा प्रदेश, हमारा इस समय जो संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन कौशिक जी, जो चार बार के यहाँ से हमारे जिले के विधायक रह चुके हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके संगठन के नेतृत्व में जो है उनकी कार्य कुशलता इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है कि हम निश्चित ही 60 पार जो है यहाँ की सीटें करेंगे। और हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारे युवा चेहरा इस समय निकल कर आए हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन ने उनको यहाँ हमारे बीच में भेजा है और वो जनता की बिल्कुल जन जन की आवाज को, परेशानियों को समझते हैं। निश्चित ही उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश में हमारी सरकार बहुमत के साथ बनेगी और फिर एक बार फिर जो है हमारा जो है कुशल यहाँ से शासन जो है कामयाब होगा।